أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وفهما प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज इंशाअल्लाह मुस्तआन आज हम यूनिट्स 6 लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बयान करना चाहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है, हयात मुबारक है, उसके दो अदवार हैं, एक मक्की दौर है और दूसरा मदनी दौर। तो आज का जो टॉपिक है वो मक्की दौर है, जहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक़्त इस अरब या पूरी दुनिया की हालत कैसी थी। पूरा दुनिया जो था वो गुमराही में मुब्तला हो चुका था, अगरचे वो समझते थे कि अपने आप को इब्राहिमी कहते थे, लेकिन उनकी तालीमात जो थी हज़रत ईसा या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें तहरीफ की गई थी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें चेंज किया गया था। तो इस तरह ये जो तालीमात थी वो बस महज रस्म के तौर पर रही थी और गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और पूरा दुनिया जो था वो माबूदानी बातिल के परिस्थिति में मुलव था और जो इखलाक की पस्तियाँ थी और जो समाजी बुराइयाँ थी, जो सियासी बुराइयाँ थी, वो सब उनमें मौजूदन हो चुकी थे। यानी कुरान या यानी तालीमात अंबिया जो थी, रसूलों की जो तालीमात थी, उनको कथित तौर नज़रअंदाज किया गया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जब हुआ तो कहाँ हुआ? उनका जन्म अरब के एक शहर मक्का में हुआ। तो उस वक़्त मक्का के हालात कैसे थे उस पर भी हम नज़र डालेंगे। ये वक़्त ऐसा था जिसे पीरियड ऑफ इग्नोरेंस या जहिलिया कहते हैं। जहिलिया के माने है जहालत, जहालत में से निकला है, जहालत हो गया इग्नोरेंस, यानी इसका अपोजिट है इल्म, नॉलेज। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो लोग जो थे वो बिल्कुल जाहिल थे, यानी कुछ भी नहीं समझते थे, ना कुछ मानने को तैयार थे। इस अरब जो मुल्क है अरब, इसमें बहुत सारे टाउनस और बहुत सारे शहर थे और एक शहर था मक्का जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। तो लोग जो थे वो ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते थे और पूरी ये जो पूरा अरब जो था वो ट्राइब्स में यानी कबीलों में बटा हुआ था। तो इन कबीलों में हमेशा एक दूसरे के दरमियान राइवलिटीज़ यानी दुश्मनी और हॉस्टिलिटीज़ रहती थी, यानी एक दूसरे कबीले एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहते थे और ये लड़ाई झगड़े ये सालों जारी रहते थे, ये कई सालों तक, यानी कि ने थमने का नाम नहीं लेते थे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये मुंतकिल होते जा रही थे, इतने हालात ख़राब थे। इन्हीं हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया अल्लाह के फजल से। ये जो हर एक कबीला जो था वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया था, यानी कि एक कबीला ये समझता कि हम दुनिया सिर्फ हमारा ही है और हम इस पर इस और किसी का हक नहीं है। तो ये जो कबीलों की जो लॉयल्टी थी उसको तरजीह दी जाती थी, यानी कबीले के साथ वाबस्तगी या कबीले के साथ मोहब्बत, ये इसको एक बहुत बड़ा वर्चू माना जाता था, इसको एक बहुत बड़ा फजाइल में से शुमार किया जाता था ये कि कबीले के साथ मोहब्बत रखना। तो और
जो ये आम लड़ाइयाँ थी उनमें कबीलों के दरमियान जो लड़ाइयाँ थी वो मामूली 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 सी बातों पर, चाहे वो मवेशियों पर, किसी की गाय भैंस के ऊपर लड़ाई हो, झगड़ा होते थे, वो सदियों सालों साल चलती रहती थी, या ज़मीन पर, या ये होता था, या काश्तकारी पर, या पानी पर, या कहीं खेल के मैदान में हार जीत के फैसले पर, ये लड़ाई झगड़ लड़ाई या और झगड़ झगड़े होते रहते थे, और ये चलते रहते थे बहुत देर तक, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मुंतकल होती थी। कारोबार के मामले में सूदखोरी और दूसरे गैर मुनासिब प्रैक्टिसेस या काम थे वो कॉमन थे इसमें, यानी सूदखोरी और दूसरे धोखादही जो मामला थे इसमें कारोबार में थे वो भी इनमें काम थे, और इसको कोई ऐब नहीं समझा जाता था। औरतों का मुकाम क्या था? औरतों को ये मिल्कियत समझते थे, औरत को ये अपनी मिल्कियत समझते थे, और जब चाहे जिसको चाहे इसको भेज सकते थे, इसको पर तशद्दुद कर सकते थे। तो ये हालात औरतों के थे। जिनाकारी, मिलावट और दूसरे बुरे काम जो भी थे वो उन पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो सरेआम किए जाते थे। इवन काबा के इर्द गिर्द नंगे तवाफ भी करते थे, और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की जाती थी। इसको ये जायज़ समझते थे, क्या इससे कहते ये समझते थे कि जो हमारे छोटे छोटे माबूद हैं इनसे ये खुश हो जाएंगे, और ये इससे बड़ा यानी अल्लाह को ये मानते थे, अल्लाह को उसका वजूद तो मानते थे, ये कि अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, लेकिन कहते थे कि ये जो छोटे छोटे हम माबूद बनाते हैं इनको खुश करके हम बड़े अल्लाह को भी खुश कर सकते हैं, और जो रोज़मर्रा के जो हाजात थे उनकी जो दुआएं मांगते थे वो उन्हीं से मांगते थे, इन छोटे छोटे आइडल से, बुतों से। तो और लड़की का जन्म जो था, वो एक बदकिस्मती से साबित किया जाता था, और एक ऐब समझा जाता था। क्यों? क्या ये समझते थे कि हम किसी की गाली नहीं सुनना चाहते हैं, तो इन बच्चियों को या इन छोटी मासूम बच्चियों को या तो मारा जाता था या जिंदा दफन किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा बुरा फैल था, जो आज अगर हम आज कल के ज़माने में नज़र दौड़ाएंगे तो आज भी हम ऐसे ही दौर गुजर से गुजरते हैं। तो ये माँ के पेट में ही बच्चे का जो सेक्स है वो डिटरमिन किया जाता है, अगर फीमेल होती तो उससे मारा जाता है। तो मेरे ख्याल में आज का ज़माना 21वीं सदी में भी, जब दुनिया की कौमें अपने आप को महजब और मॉडर्न समझते हैं, लेकिन जी मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये जहिलिया पीरियड से भी बदतर है। उन दिनों भी ये लड़कियों को या तो जिंदा गाड़ दिया जाता था या कत्ल किया जाता था। आज तो जो ये माँ के पेट में ही जो फीमेल इन्फेंट जो है, बच्चियाँ जो हैं उनको मारा जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। तो इसके बाद जो ये गुलामों का रिवाज आम था, तो लोग दूसरों को खरीद कर अपने गुलाम बना जाते थे, और उन पर जो इस तरह चाहें, जो जुल्म चाहें, जो काम लेना चाहें उनसे ले सकते थे। कोई इंसानियत का कोई ख्याल ही नहीं किया जाता था कि आखिर ये भी इंसान है हमारी तरह, इनको भी अल्लाह ने ही पैदा किया है, हमें उन पर कोई हक नहीं है। बस ये समझते थे कि ये कोई गुजरे हुए ये इंसान है, अगर ये अच्छे अच्छे होते तो हमारी तरह ही होते, लेकिन ये अल्लाह पर इनका कोई ये ईमान ही नहीं था कि ये भी अल्लाह की ही पैदाइश है, ये भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, इनको हम कैसे ट्रीट करना है। इस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली है। दो इबादत के मामले में ये लोग छोटे छोटे खुदाओं को यानी बुतों को और जिन देवी देवियों देवों देवताओं और देवियों की पूजा करते थे, इबादत करते थे। तो हर एक कबीले के लिए अपना अपना एक देवता था, अपनी अपनी देवताएं थी या देवियां थी। काबा जो है
वो सबसे बड़ा ये बुतघर बना था। उस वक्त काबा में 360 बुत रखे गए थे। तो इन बुतों में सबसे मेन जो थे, अहम जो थे इनके नज़दीक, वो अल हुबल था, अल्लात, अल उजा और अल मुनात। अल हुबल हुबल जो है वो सबसे बड़ा था, वो चीफ इनका था। तो दूसरे जो जो ये तीन डेटी थी, इनके मबूत थे, इनके गॉड थे या गॉडेस थी, वो फीमेल थी, और उनको कहे अल्लाह की बेटियां ये कहते देते थे। फरिश्तों को भी ये अल्लाह की बेटियां करार देते थे, हालांकि ये फरिश्तों को मानते थे, लेकिन किस सूरत में, ये अल्लाह की बेटियां हैं। इन बुतों के अलावा ये लोग सूरज, चांद और तारों, आग और दूसरे जो भी चीज़ उनको अपने मन में आता था उसकी इबादत करते थे कि ये हमारे गॉड है, ये हमारा देवता है। तो इस सूरत हाल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली या उसका जन्म हुआ, जन्म मुबारक हुआ, तो उसको ये एक बहुत बड़े ज़बरदस्त और मुश्किल काम के लिए, मुश्किल काम जो ये था कि इंसानियत जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। तो पहले मैंने अर्ज़ किया कि कौन कौन से ये बुराइयाँ कौम में या मुल्क में आम हुई थी, उन तमाम बुराइयों का कल्ला कमा करने के लिए और इंसानियत को बहाल करने के लिए, या इंसानियत को ऐस नासूर से छुड़ाने के लिए, या इंसानी गर्दनों को इन जैसे बुरे कामों से निजात दिलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा काम और ज़बरदस्त मुश्किल काम का सामना करना था। तो इस सूरत हाल को जब उन्हें नबुवत मिल गई या जब उन्होंने होश संभाला, तो उन्होंने सिंगल हैंडेड यानी अकेले इस काम को बखूबी अंजाम दिया। तमाम ज़िंदगी के तमाम शोबजात में, चाहे वो तालीम का मामला था, दर्स व तदरीस का मामला था, इल्म हासिल करने का मामला था, या माशियत का मामला था, या के इखलाकियात का मामला था, या सियासत का मामला था, सब मामलों का मुकाबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले किया और सब मामलात को बहुत खूबी अंजाम देकर अपने मुंत के अंजाम तक पहुंचाया और दुनिया को ये दिखा दिया कि ये जो इंसान जो है, अल्लाह की पैदाइश जो है, कि ये किस सिमत में इसको गामजन करना है और किस इसका मकसद क्या है और किस मकसद के लिए इसको इस दुनिया में भेजा गया है, वो काम करके दिखाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दम पर और उस अल्लाह के फजल करम से। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल इसका बर्थ, जन्म और आगे का जो का टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।